पूरी आओ भाई बैठ पूरी आओ ये गरीब के नसीहा किसान के सुदेशी गुरु बहुत ही आदरणीय चौधरी श्री ओम प्रकाश जी चौटाला आपके बीच में आए निखिल भैल के प्रदेश के अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय जसवीर सिंह जी ढिल्लो हल्का के प्रधान भाई सुनील जी निवासा भाई सतपाल जी उनाड़ी पार्टी के सभी साथी नवनीत सिंह जी ढिल्लो हमारे प्रदेश के प्रवक्ता हैं हाँ लाल सिंह तंवर हमारे देखो एक धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतनी गर्मी में आप चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को सुनने के लिए और इनसे मिलने के लिए आए हैं मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। तीन चार रोज पहले आदरणीय चौटाला साहब से जब मेरी मुलाकात दिल्ली में हुई तो इन्होंने मेरे को एक आदेश दिया कि मैं एक दिन के लिए महेंद्रगढ़ आ रहा हूं और मेरे को आप डालनवास बारडा और माधोगढ़ इन तीन गांव में आप मेरे को लेकर के चलो सके ये इनकी स्पेशल दिली ख्वाहिश थी। मैंने कहा साहब पक्का लेकर के चलूंगा। इन्होंने पुरानी दास्तां भी बताई। मैंने कहा वो आपको याद करते रहते हैं सभी गांव वाले। इन्होंने कहा कि मैं वहां पे पक्का चलूंगा। तो आज आपसे मिलने के लिए आपसे रूबरू होने के लिए आए और डालनवास गांव के इस पर्स में मैं हरियाणा की शान चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की मैं बहुत बहुत इनका अभिनंदन आभार प्रकट करता हूँ। पूरे जिले की तरफ से इनका आभार प्रकट करता हूँ कि वो अपनों से मिलने के लिए अपनों के बीच में आए हैं। चौटाला साहब जी का बहुत बहुत अभिनंदन बहुत बहुत आभार। मैं इस जिले का जिला प्रमुख बना तो आपको पता है जो राज कांग्रेस का था और मैं आदरणीय चौटाला जी के साथ था। सरकार ने बड़ी कोशिश की थी कि इसको बढ़ने नहीं देना पर मैं ऐसी शख्सियत का सिपाही था कि मुझे कोई रोकने वाला नहीं था। मेरे साथ दो साथ थे, एक तो राम साथ था और दूसरा चौटाला साहब मेरे साथ थे। मैं टॉस में जीत करके आया, इस जिले का जिला प्रमुख बना। मैंने डालनवास से कोई वोट नहीं लिया था कि भाई मैं जिला प्रमुख बना जब कोई यहां से चुनाव लड़ा।
पर जिस प्रकार से मेरा जाट गांव, जितना पैसा मैंने जाट गांव में दिया और मेरे यहाँ पे सरपंच था, उतना पैसा मैंने डालरवास में भी देने का काम किया कि ये गांव मेरा है तो दादा साहब का काम। चाहे पीढ़िया जोड़ की बात आई, चाहे कृपाल हरला रास्ता का पैसे की बात आई, जितने भी मेरे से बन पड़ा सरकार के खिलाफ उठते हुए भी मैंने डालरवास में काम करवाया। और काम तो वो ही करवा सकता है जो आपका अपना हो। अपने महेंद्रगढ़ की जहाँ सीम लगती आकोटा से परली साइड, तो वहाँ रोड खत्म हो जाता है। और जब महेंद्रगढ़ की सीमा जहाँ खत्म होती वहाँ से रोड दोबारा शुरू हो जाता है। यहाँ नेता बहुत बड़े बड़े हुए पर काम किसी ने कुछ भी नहीं किया। पेंशन की बात आई तो चौटाला साहब ने बढ़ाई, बढ़ाने की बात आई तो इन्होंने बढ़ाई, गरीब की बात आई तो इन्होंने सुनाई करी। जितनी बातें हैं प्रदेश लेवल की वो तो साहब आपको बताएंगे, पर इस विधानसभा में मैं चौटाला साहब जी को बताना चाहता हूँ कि महेंद्रगढ़ की विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है कि इसमें जो भी कोई सरकार आती है, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, ये समझते हैं कि ये विधानसभा शायद पाकिस्तान में। यहाँ हमारे जो नेता है जब वो बढ़ जाते हैं, बढ़ने के बाद में हर आदमी को धमकाने का काम करते हैं, फिर वो बहुत बड़े बन जाते हैं, गांव की तरफ देखते नहीं। आज बिजली की दिक्कत है, आज पानी की दिक्कत है, आज हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं। महेंद्रगढ़ सबसे पुराना जिला, इस जिले में आज भी रेफर हॉस्पिटल है, कोई बहुत बड़ा कोई कॉलेज, कोई बहुत बड़ा यहाँ एजुकेशन सेंटर नहीं। जो भी गाँव में हमारे स्कूल है उनमें अध्यापक नहीं। यहाँ हर चीज की परेशानी परेशानी। आपके राज में यहाँ काम हुए थे, उसके बाद में फिर यहाँ फ्लू स्टॉप लग गया था। मैं दोबारा से चौधरी साहब का बहुत बहुत अभिनंदन, और सभी पूरे गांव वालों का, इतनी गर्मी में आप आए हैं, मैं आपका दोबारा से जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप आज इतनी गर्मी में यहाँ पे आए, समय आएगा कि आज जो इस गर्मी में आपका पसीना निकला है इसका पूरा हिसाब किताब पूछता किया जाएगा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के आशीर्वाद। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और साथ में मैं कहूँगा कि आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश सिंह चौटाला अपने आपनों के बीच में आए हैं और इनकी दिली ख्वाहिश थी, तो मैं उनको कहूँगा कि वो भी सभी के रूबरू हूँ। आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश सिंह चौटाला। सम्मानित मंच, समस्त उपस्थित गांव के सम्मानित बुजुर्ग, माता बहनों, नौजवान दोस्तों, हमारी कृषि प्रधान देश के उज्जवल भविष्य में सबको बहुत प्रसन्नता होती है। सब विदेशों के बीच में आपके प्रसाद से निकाल रहे हैं। महेंद्रगढ़ का जो प्रोग्राम है हमारा ये देश कृषि प्रधान देश, इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी है। अगर किसान खुशहाल है तो देश माना है, और अगर किसान कल्याण है तो देश का बुरा हाल। आज ऐसे लोगों के हाथ में सरकार लगी जो उस देश को मेहनत के साथ भी को लूट के खाने में लगती है। अगर मैं ये कहूँ तो ज्यादा उपयुक्त होगा तो दुर्भाग्य से उन पेड़ों के हाथ में आ रहा था, उनको मनुष्य को एक बेहद सीमित बचा रही।
यही एक वजह है कि हम हरियाणा की हालत आर्थिक तौर पर बहुत खराब है। 2005 में जब हमारी सरकार बनी थी, अपने सरकार को बनाने में 2000 करोड़ से कुछ ज्यादा रुपया थे और आज हरियाणा सरकार के सर पर 7.5 करोड़ से कुछ ज्यादा का पैसा। जब ऊंचा पैसा होता है तो 1000 करोड़ का रुपया अपने सर पर नहीं होता है। सबसे पहले उन लोगों का आधार व्यक्त करने के लिए गया तो पिछले 1 साल से किसानों के विरोध में पड़े हुए गलत कानून को सकते हैं, कानून को समाप्त करने के लिए मंडी के सड़कों पर धरने को रोकते हैं, उनका आधार व्यक्त करने के लिए मंत्री कैसे इस देश के उज्जवल भविष्य किसान और कामगार को स्वस्थ परंपरा को कायम रखने के लिए लगातार संघर्ष हो रहा है। मुझे दुनिया के 152 मुल्कों में जाने का अवसर मिला, सैर सपाटा करने के लिए भी विश्व के उन मुल्कों के राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक हालात की जानकारी हासिल करने के लिए गया और मुझे ये देश करके बहुत प्रसन्नता है कि समूचे विश्व के स्तर पर भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ 36 जात के लोग आपसे प्रेम प्यार और भाईचारे से मिलजुल करते रहते हैं। हम अपने तीज त्योहार होली दिवाली ईद और क्रिसमस आपस में प्रेम प्यार से मिलजुल करके मना सकते हैं, हमारे में कोई भेद नहीं था। लेकिन बदकिस्मती से ऐसे लोगों के हाथ में लाद आ गया, उन्होंने जात पात का डर फैला करके हमें आपस में बांटने का काम किया और आर्थिक तौर पर लूट मचाने का काम। इस प्रकार के टैक्स सरकार के द्वारा लगाए गए हैं जिससे योजनाबद्ध तरीके से इस देश के मेहनत कश कमेरी वर्ग के लोगों का पैसा बड़े बड़े जो उद्योगिक घराने बिड़ला टाटा डालमिया अंबानी और अडानी टाइप के उनके पास जाता है और उनसे ये राज करने वाले सीधा पैसा लेते हैं और देश को बर्बाद करने का काम करते हैं। इसलिए जब उन लोगों के पास धरने पर बैठे हुए लोगों को गया तो मुझे ये देख करके बहुत प्रसन्नता हुई कि नाम तो किसान आंदोलन है लेकिन उसमें 36 जात के लोग बैठे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समाज धार्मिक वाल्मीकि लेकर खटीक खाती कुमार भार सुनार मणिहार नाई तेली धोती मोची ब्राह्मण बढ़िया कर्मचारी और व्यापारी कारखानेदार और मजदूर किसान और कमेरा 36 जात के लोग इस सरकार से दुखी होकर के इस सरकार को रखने के लिए धरने पर बैठे। इससे जाहिर होता है जब भी इस देश में चुनाव होंगे जात पात का डर फैला करके राज करने वाले लोगों को सबक सिखाने के लिए 36 जात के लोग इकट्ठे होकर के इन लोगों को धन जुटाने का काम करें। इसलिए मैं तो आपसे एक निवेदन करने आया था, मेरे पुत्र प्रताप चौधरी देवीराम जी ने सारी उम्र मेहनत कर किसान और कमेरे के लिए संघर्ष किया, उनकी हार्दिक इच्छा थी कि इस
देश के लोगों की मूलभूत जरूरियात, रोजी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार करे, और जो सरकार ये ना करे उस सरकार का पतन करना चाहिए। हरियाणा प्रदेश की मौजूदा सरकार के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री का पदभार संभालते हुए घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री निवास की खिड़की पर जो कोई भी आएगा हम उसका काम करेंगे। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता के सहयोग और समर्थन से सरकारें बनती हैं, और जब चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है तो जनहित के कामों में रुचि ले, लोगों की दिक्कत और कठिनाई को दूर करें। उनके बाद मुझे चंडीगढ़ जाने का अवसर मिला, और चंडीगढ़ में मैं अपने किसी मित्र से मिलने के लिए जा रहा था। सड़क से जिस सड़क से मैं जा रहा था उसी सड़क पर मुख्यमंत्री का निवास भी था। मैंने गाड़ी रोक करके पूछा कि भाई मुख्यमंत्री निवास तो खाली पड़े है, यहाँ तो कोई दरख्वास्त देने वाला भी नहीं है। सब लोगों ने मुझे बताया कि क्या करे कोई यहाँ आके, यहाँ किसी की बात तो सुनी नहीं जाती, कोई दरख्वास्त लेके आता है उसे पुलिस के द्वारा पिटवा करके जेल में भेज दिया जाता है, बहुत तो परेशान। मैंने उसी दिन एक मन बना लिया कि अगर कभी सरकार बनाने का अवसर मिला तो हम इस पद्धति को, इस परंपरा को बदलने का काम करें। आपके सहयोग और समर्थन से हरियाणा प्रदेश में हमारी सरकार बनी, और मैंने अपनी बात को कायम रखते हुए नीति को बदल दिया। सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत लोग सरकार पे नहीं जाते थे, सरकार लोगों के पास जाती। बतौर मुख्यमंत्री मैं हर वर्ष हर गांव में एक दफा जाता था। आपके गांव में भी आया था कि नहीं आया थी? और गांव के लोग जो कोई मांग रखते मैं उस मांग को पूरा करता था। आज हालत बहुत खराब है, कर्जा कर्जा होता जा रहा है। चुनाव जब होंगे तो ये कांग्रेस ही और ये बीजेपी वाले भी आपके पास वोट मांगने के लिए आएंगे। उनसे आप एक ही बात पूछना कि भाई ये कर्जा किस बात का है? विकास के नाम पर तो आपने कुछ किया नहीं। हमारे राज्य में जो सड़कें बनी थी वो टूट गई थी, मरम्मत तक नहीं हुई। स्कूलों में मास्टर नहीं, अस्पताल में दवाई और बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं, बिजली नहीं मिलती, बिजली के पानी के लिए भी बिजली उपलब्ध नहीं, खाद और बीज के लिए लाइन पर लगना पड़ता है, घर नहीं मिल पाती। हालत बहुत खराब है, इसलिए हर जाति के हर वर्ग के लोग दुखी हैं, परेशान हैं, और उन दुखी लोगों ने एक मन बना लिया कि सरकार क्यों पलटे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया, हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, हमारी किसी से कोई नाराजगी नहीं, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं। हम तो स्वर्गीय चौधरी धनीलाल के स्वप्नों को साकार करने का निर्णय ले चुके हैं। हम चाहते हैं लोगों को ज्यादा ज्यादा सुविधा दी, इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूँ। जो लोग नाराज हो गए, बहका लिए गए, बरगला लिए गए, वो आज दुख है, इसलिए उनको पुचकार दो, उनको शामिल करो। अगर मेहनत के सहयोग सारे इकट्ठे होंगे तो फिर निश्चित रूप से आपकी सरकार बनेगी, और जब सरकार आपकी बनेगी तो फिर आपके लिए अच्छे काम होंगे कि नहीं होंगे। अगर हमने अतीत में अच्छे काम किए हैं तो भविष्य में और ज्यादा अच्छे काम। मुझे केवल इस बात के लिए 10 साल की सजा काटनी पड़ी,
जिन लोगों को नौकरी से मिलाया उनकी तो तरक्की हो गई और मुझे 10 साल की बजाय 10.5 साल जेल में काम। अब मैं आपसे कहने आया हूँ, मेरी तरफ से आप अनेक को ही कह सकते हैं कि हम हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देंगे, उसकी कोई फीस नहीं लगेगी, कोई किताबों के पैसे नहीं देना पड़ेगा। अगर कोई गरीब बच्चा है तो उसके खाने का प्रबंध भी सरकार की तरफ से किया जाए और नौकरी प्राप्त हर बच्चे को उसकी योग्यता के मुताबिक हम शिक्षा प्राप्त बच्चों को बहुत कुछ देने का काम करें। अगर गांव का पढ़ा लिखा युवक अच्छे पद पर होगा तो गांव की भलाई की बात सोचेगा कि सोचेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि गांव का विकास हो, मेहनत कश लोगों को रोजगार मिले, गरीब आदमियों को निःशुल्क शिक्षा मिले और उनके स्वास्थ्य हो। इसलिए मैं आपसे वायदा करता हूँ कि हम हर बच्चे को लेंगे, चाहे कोई किसी भी जाति का है, किसी धर्म का है, किसी वर्ग का है। अगर किसी पढ़े लिखे युवक के माँ बाप ने किसी कारणवश वोट चाहे कहीं भी दिया, हम उसमें वोट की राजनीति का दखल नहीं मानते। किसी योग्य बेटे के माँ बाप के गलत मरने की वजह से उस बच्चे का नुकसान हो जाए, ये प्रकार हम हर बच्चे को नौकरी देंगे। बाद में मुझे आंसू देखना पड़ेगा, मेरी चिंता आपसे इकट्ठे होते सरकार अपने सरकार जब बनेगी तो संक्षिप्त में आपसे एक ही वायदा करता हूँ, राज बना दो सारे सारे घोषणा कर खत्म कर दिया। आपने मुझे रोजगार प्रेम प्यार और समय प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और आपको यकीन विश्वास और भरोसा दिलाऊंगा कि सरकार आपके निश्चित रूप से बन परिस्थितियाँ आपके अनुकूल है। लोग इस सरकार से दुखी है और ये आम चर्चा है कि जब तो सरकार अच्छी बनेगी तो वह इंडियन नेशनल लोकतंत्र पार्टी से भी बनेगी। आज हरियाणा प्रदेश जो दीवार पे एक बात लिखी है, मैं नहीं कह रहा, हमारे विरोध पक्ष के लोग भी इस बात को मान के चलते हैं कि संगठनात्मक दृष्टि से आज समूचे विश्व के सत्र पर इंडियन नेशनल लोकतंत्र पार्टी का कोई मुकाबला नहीं। इसलिए संगठन को और ज्यादा मजबूत मुझे यकीन विश्वास और भरोसा है। लेकिन आप बधाई के पात्र हैं, मेरी गैर हाजिरी में आपने संगठन को पहले के मुकाबले में ज्यादा मजबूत बनाया है। आज भी आप संगठन को और ज्यादा मजबूत बनाएंगे, सरकार आपसे बढ़ेंगे और फिर आपके पास दिक्कत कठिनाई नहीं आएगी। चौधरी देवीलाल के काम होंगे, हम हर वर्ग के लोगों को सुविधा प्रदान करेंगे, यही कहने के लिए आपके बीच में आए। आपने मुझे जो अगाध प्रेम प्यार और समय प्रदान किया उसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत सबसे पहले मान सम्मान सूचक पदवी होती है, मैं दयानंद जी सरपंच दयाचंद जी सरपंच से निवेदन करूंगा कि वो आए माननीय चौटाला साहब को पगड़ी पहना करके उनका सम्मान करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। मैं छोटे राम जी से निवेदन करूंगा कि मेरे साथ मैं लोकदल पार्टी में लगाया है, कुछ दिन पहले वो भटक गए थे, मैं भी भटक गया था और वो जेजेपी में चले गए थे। आज जेजेपी पार्टी छोड़ करके आपके सभी इंडियन नेशनल पार्टी ज्वाइन करते हैं। चलो माननीय चौटाला साहब, इनका पूरा जीवन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में, और मैं
पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक जी और हमारे सारडा गांव के धरा पर आए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो, किसानों के मसीहा, मेरे बहुत ही आदरणीय चौधरी श्री ओम प्रकाश जी चौटाला साहब, लीगल फोरम के प्रदेश के अध्यक्ष, मेरे बड़े भाई आदरणीय एडवोकेट जसवीर सिंह जी ढिल्लो, किसान सेल के जिला के अध्यक्ष आदरणीय धर्मपाल जी नंबरदार, हल्का के अध्यक्ष भाई सुनील जी रिवासवा, हमारे उपाध्यक्ष भाई सत्पाल जी उनाणी, युवा के प्रधान भाई जोगिंदर जी बसई, प्रेस प्रवक्ता भाई नवनीत सिंह जी, महेंद्रगढ़ के प्रेस प्रवक्ता लाल सिंह तंवर, आए हुए पार्टी के अन्य गणमान्य पदाधिकारी नेतागण, मेरे गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता व बहनों, भारत देश के उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, आज बारडा गांव में मैं चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और इस धरा पे आने पर उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 4-5 रोज पहले दिल्ली में चौटाला साहब से जब मेरी मुलाकात हुई तो चौटाला साहब ने हमारे 3 गांव के बारे में जानकारी मांगी। वैसे तो पूरे सतनाली के 22 गांव का इन्होंने जिक्र किया। इन्होंने मेरे को बताया कि अब मेरे पास 1 दिन का समय, मैं सतनाली किसी प्रोग्राम में जाऊंगा तो इन 3 गांव में मेरे को लेकर के चलना है, माधोगढ़, डालनवास और बारडा। तो बारडा के बारे में इन्होंने मेरे को बताया, मेरे को तो पता नहीं था, जब उस समय मैं पार्टी में नहीं था। इन्होंने मेरे को बताया कि मैं बारडा गांव में हेलीकॉप्टर में एक बार गया था, आए होंगे। विशेष इस गांव पे प्यार प्रेम सने चौटाला साहब का। चौटाला साहब आपसे रूबरू होना चाहते थे, मैंने कहा उनसे मिलाने का काम मेरा और आगे बात करने का काम आपका। पर मैंने कहा मेरा भी गांव में बहुत प्रेम, हर घर में मेरा आना जाना है। जब मैं जिला प्रमुख था तो जिस प्रकार का बर्ताव मैंने मेरे खुद के निजी गांव, जिस गांव में मैंने जन्म लिया, उस गांव से मैंने बर्ताव जितना किया था उतना ही मैंने बारडा से भी किया था। मेरी कलम से जो हुआ था कोई भी ग्रांट वो मैंने देने का भी काम किया था। आपने जब भी मेरे को कभी बुलाया मैं तत्परता से आपके बीच में आने का भी काम किया था। और याददाश्त भी मेरी ठीक है, जो मंदिर वाले रोड की बात कह के गया था वो साफ बनाया कि नहीं बनाया, पर 51,000 रुपया फिर उधार मेरे का नहीं बाकी है, टिप्पण के नीचे बाद रोशन वो कर्जा तो दोनों दिया जाएगा। मैं बोल के गया था 51,000 दूंगा तो बीच में वो इलेक्शन आई, ऐसा सिस्टम हुआ कि भाई चुनाव तो हुआ अपन हार गए पर अपन जीत भी गए। एक बहुत बड़ा दिग्गज बना घूम रहा था, उन्होंने रोस्ता से लगा दिया। रोशन को ये कहता था थानेदारी ना करे। मेरा कहने का अभिप्राय है कि चौधरी साहब का आपके प्रति बहुत ज्यादा स्नेह, मैं जितना कहूँ वो ही थोड़ा। बात तो आपसे यही करने के लिए आए, मैंने तो ये 2 बात इसलिए बताई है कि कभी साहब के दिमाग में एक बात आ जाए कि भाई कभी मारे ही कोशिश किया घूम रहा है, ये कोई गलती तो करता नहीं घूम रहा, तो मैंने एक बात इनके सामने ये बताई है कि मैं गलती नहीं करता, आपके पद चिन्ह पर चलता, आपकी बात को बड़ी करने में मैं लगा हुआ। जिला प्रमुख बनने के बाद में सबसे ज्यादा पैसा गौशालाओं में देने का काम किया था मैंने,
गरीब गुर्दे की जो भी कोई पेंशन की बात थी, कोई मकान की बात थी, वो भी करवाने का काम किया था। आपका आधी रात समाचार मेरे पास गया, मैं खड़ा मिला था और चौटाला साहब विद सरकार आपके बीच में खड़े मिले थे। तो आपके गांव से बड़ा प्रेम प्यार है इनका और मैं आपके बीच में ज्यादा बाधा नहीं बनना चाहता, तो मैं मिलता रहता हूँ, आता रहता हूँ। अब मैं बाबू जसवीर सिंह ढुल्लो से प्रार्थना करूंगा कि वो भी दो शब्द आपके बीच में कहें और आपके बीच में रूबरू हो। आदरणीय जसवीर सिंह जी ढुल्लो, आदरणीय चौधरी साहब ओम प्रकाश जी चौटाला, पार्टी की सारी सरदारी और गांव बारडा के तमाम मौजीजन, माताओं बहनों, हाथ जोड़ करके आप सबको नमस्कार करता हूं। जैसा कौशिक साहब बता रहे थे, चौटाला साहब का तो बारडा गांव से बहुत पुराना वास्ता रहा है। 1997 का किसान आंदोलन और वो उस जमाने की जो शहादत हुई थी, आज भी गांव में एंटर होने से पहले जो किसान सैनिकों की प्रतिमाएं लगी हुई है, उनको झुक करके और उनको प्रणाम करके उसके बाद चौधरी साहब ने गांव में कदम रखा। और उस आंदोलन की चर्चा ना और बारका गांव में बैठे हुए राजपाल लांबा जी हमारे साथी एडवोकेट हमारे साथ उस घटना के चश्मदीद गवाहों में से। बीबीसी लंदन में बारडा गांव का नाम बोला गया। इतिहास में पहली मरतबा ऐसा हुआ था 66 दिन तक रेलवे ट्रैक भंडियाई के मुकाम पर रोक गया। 72 दिन तक रोका गया था और उस चीज का नतीजा ये हुआ था, जो किसान विरोधी सरकार थी वो तो चलती बड़ी थी और चौधरी देवीलाल का बेटा ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बना। 24 जुलाई 1999 हरियाणा प्रदेश के राजभवन में आपके गांव से भी कुछ साथी उस क्षण के गवाह है। 24 जुलाई 1999 को चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ली थी और मेरे याद है 31 जुलाई को नारनौल आए थे, फिर महेंद्रगढ़ रैली करी थी और जिस ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए चौधरी बंसीलाल ने लोगों पर गोली चलाई थी, बिजली बोर्ड का एक्सीएन और महेंद्रगढ़ का एसडीएम ट्रांसफार्मरों का ट्राला भर के रुक के मारते फिरे था, ट्रांसफार्मर बदलवा लो, ट्रांसफार्मर बदलवा लो, हुई थी नहीं हुई थी। और चौधरी साहब ने ये घोषणा करी थी, बोले मैं महेंद्रगढ़ 31 तारीख को सब्जी मंडी में रैली करूंगा और बारडा के, सतनाली के, डालनवास के, सोड़ी पासड़ी सुरेती के, माधोगढ़ के अगर किसी किसान ने कोई शिकायत कर दी तो उस अधिकारी की खैर नहीं। चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला आज आपके बीच में विराजमान और मैं तो सलाम करता हूँ। मैं कल भी ये बात कर रहा था, आज भी मैं ये बात दोहराऊंगा। थर्मामीटर में निकाल के देखो आज पारा 48 तक पहुंचेगा, 47 का आज चेतावनी 48 की, और कैलेंडर निकाल करके देखो चौधरी साहब की उम्र 87 साल और 87 साल की उम्र में 48 डिग्री तापमान और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पिपड़ का पेड़ के नीचे और बारडा गांव का भाईचारा का बीच में तालियां बजा करके आप इनका आज ऐतिहासिक दिन, आज ये ऐतिहासिक दिन है। और चौधरी साहब आपके आशीर्वाद से और इन साथियों के भरोसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये वो गांव है जहां से इस हरियाणा प्रदेश की राजनीति बदली जाती है। एक बार नहीं बदली गई, कई बार बदली गई और आज जो हालात है उसके बारे में तो विस्तार से आप बताओगे और आपको सुनना चाहते हैं। मैं आपके बीच में नहीं रहना चाहता ज्यादा देर, लेकिन ये मेरे को इस बात का भरोसा है कि जो 87 साल की उम्र में 48 डिग्री तापमान और चौधरी अभय सिंह चौटाला जिस कदर संगठन को साथ लेकर और जिस तरह से जो सुरेंद्र कौशिक जैसा कार्यकर्ता, ये भाई सुनील रिवासा बैठा, ये हमारा धर्मपाल बैठा, ये पार्टी का प्रवक्ता नवनीत ढिल्लो बैठा, जिस तरह से ये साथी जुटे हुए हैं
एक बार फिर यो बारडा गांव इतिहास रचने की शुरुआत करेगा और हरियाणा प्रदेश में जिस दिन शपथ ग्रहण मुख्यमंत्री का होगा उस दिन टेलीविजन पर एक बार फिर हरी पगड़ी लहराती हुई दिखाई देगी। इस चीज का मेरे को भरोसा है। आप यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत और सम्मान करते हुए आपको मैं सादर निवेदन करता हूँ कि आप अपना शुभ संदेश गांव वासियों को देने का कष्ट करें। आदरणीय चौटाला साहब, इससे पहले धर्मपाल जी नंबरदार, ये हमारे किसान सेल के प्रधान, आपके जाने पिछाड़े महेंद्रगढ़ सतनाली मोड़ पर कार्यालय पाएगा गांव से धर्मपाल जी नंबरदार, बहुत पुराने साथी, बहुत नाम सम्मान के मेरी उम्र 70 साल में लग रही है। 1986 के मैं इनेलो पार्टी ज्वाइन करी, डॉक्टर रोहतास जी ने पार्टी ज्वाइन करवाई और जो पांचवी में छठी में बच्चा पढ़ता है और वो एक भी एक्सीडेंट नहीं रहता तो उसको बड़ी भाई नाम दे जाती है। और मेरी पार्टी में 35 साल हो गया और ये चौधरी साहब बच्चे 10 बार मेरे घर गए हुए हैं और आज तक एक दिन की भी मेरी एक्सेंट नहीं। तो इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं किसान का बच्चा हूँ और मैं भी आपके साथ हूँ तो सारे प्रचार करो, आपके सरकार बननी है। और एक और बताऊँ चौधरी साहब को, साहब मैंने एक होर्डिंग लगा रखा, आपने देखा हुआ कोर्ट के ऊपर साइड में हमारा ही मकान है, आपने भी देखे होंगे मैं सारे होर्डिंग कोर्ट में जाते हो तो। कल मेरे पास नोटिस दे दिया, अगर आप ये बड़ा होर्डिंग लगा रखा इसको हटाओ, मैं बोला भाई मैं नहीं हटाऊंगा। और चौधरी साहब कहेंगे तो माताजी ने मैंने जेल कर दिया थी उसमें लिख रहे 10,000 रुपये जुर्माना करेंगे, 6 महीने खींचा करें। तो मेरी तो आपसे प्रार्थना सारा मिलते आपके सरकार बनेगी और चौधरी साहब की मदद करो सारा सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रार्थना करूंगा आपके वसी का आदमी तीस तारीख को प्रोग्राम 29 की शाम रात ने कर दी 6 बजे बाद। बढ़िया भाई न फिर गुजर को आओ वो मुझे छोटा लाना आप लोग समय के बाद आपके बीच में भैया मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं, आपका हमारा बहुत घनिष्ठ समय रहा और ज्यादा काम है, इसके लिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करूँ लुटेरों की सरकार है, इस सरकार को अभ्यस्त करने के लिए हम सबको प्रेम प्यार और भाईचारे से मिलजुल कर इकट्ठे मिल करके लड़ाई लड़ेंगे। जो साथी बैठ गए थे, गुमराह हो गए थे, गुरगराने गए थे, तुम्हें आपके साथ शामिल हो गए, मैं उनका स्वागत करता हूँ और आप सबसे निवेदन करूँगा कि हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है। हमारी तो ये की सोच है कि स्वर्गीय चौधरी दीनलाल जी के स्वप्न साकार होगा। चौधरी दीनलाल जी ने सारी उम्र गरीब किसान और मजदूर के संघर्ष के लिए लड़ाई लड़ी, उनकी अधिक इच्छा था कि इस देश के हर नागरिक की मूलभूत जरूरियात रोजी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकारी तौर पर किया जाए। इस सबके लिए उन्होंने सही उम्र संघर्ष किया
और जाते जाते हमें आदेश दे करके गए तो मेरे भले काम को पूरा करना आपका बनवा था, इसलिए हम चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न को साकार करना चाहते आपसे निवेदन करने आया हूँ। तो सबको साथ लेकर के चलो, सबको बनाओ, भारतवर्ष का भविष्य उज्ज्वल बने और बने, हमारा ये देश कृषि प्रधान देश बने और समुचे विश्व में आपकी पहचान का। मैं आपसे वायदा करता हूँ, राज बनाना तो आपका काम है, राज बना लो, अरब के राज बनने के बाद हर पढ़े लिखे बच्चे को इसकी पढ़ाई निःशुल्क हो, कोई फीस ना लगे, किताबें भी सरकार की तरफ से मिल जाए और हमारे बच्चे पूरी तालीम हासिल करने के बाद बड़े अफसर बने, वही मैं आपको वायदा दे सकता हूँ। गाँव का बच्चा अगर ऊंचे पद पर आसन होगा तो गाँव की भलाई की बात सोचे यार नहीं सोचे, हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, जाति पाति धर्म और मर्म के दीवारों को तोड़ करके हम हर पद के युवक को उसकी योग्यता के मुताबिक अच्छे पद पर बिठाने का काम करें और गांव का विकास हो सके उसके लिए बच्चे अच्छे काम करें। ये सबके लिए जरूरी है कि आप लोग मेहनत करें। मैं आपको वायदा देकर के जा रहा हूँ कि हम हर बच्चे को नौकरी देंगे, तो सबसे पढ़े लिखे युवक के माँ बाप ने अगर कोई गलत निर्णय लिया हो तो उसमें फैसला चाहे कुछ भी किया हो, हम उस बच्चे की योग्यता का नुकसान उसके माँ बाप के गलत निर्णय की वजह से नहीं करेंगे। हम हर पढ़े लिखे युवक को नौकरी देंगे, 3210 पढ़े लिखे युवकों को नौकरी देने की वजह से मुझे 10 साल की सेवा करती है। अब तो मैं वायदा करता हूँ कि हम हर बच्चे को नौकरी देंगे तो बाद में मुझे फांसी के उतना पड़े मुझे उसकी चिंता नहीं होगी। बसों इकट्ठे होकर के हमें लड़े, सभी का प्रेम प्यार और भाईचारा कायम रखो, बस इसी में सबके लड़ाई है। यही कुछ बातें कहने के लिए आपसे मुलाकात करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। आपने मुझे भगवान प्रेम प्यार और समय प्रदान किया उसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करूंगा आपका हमारा विषय का सदा कायम रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने एक कहावत है वो खोखू पेड़ और सो खोजी मैडू सदा याद हो। राम और राव दोनों ही गलत, दोनों ही रोज रहा है जी, राज बना लियो फिर सारा खोप पका राज गजे हम तो जी रहा लाए खो कसूती डाला।
भी हाल भी कहीं ना हाल में वैसे तो गुहाना रैली थी उसमें बच्चों ने कुछ गड़बड़ कर दी थी है? गुहाना रैली में होना ही थी ना वो रैली, तो उस टाइम आपने थोड़ा सा संयम से काम लिया होता तो अपनी पार्टी नहीं टूटती। बताइए सुनील साहब, ये कह रहे हैं कि गोहाना रैली हुई थी उसमें कुछ बच्चों ने हुड़दंगबाजी कर दी थी, तो उसमें आपने अगर संयम से काम लिया होता तो वो दिक्कत ना होती। अब बात दिक्कत तो खत्म होगी, खत्म होगी, अब नए सिरों फिर कुछ कार्य करना, फिर कुछ करना, क्योंकि वो टाइम दिग्विजय और वो दोनों भाई थे, उन्होंने ही तो रैली लगवाई थी। अजय सिंह का, अजय सिंह का क्या कसूर था, आपने उनको पार्टी से निकाला? अपना घर में शादी मारे बात तो पूछ दो, क्या कोई बात है? लुटेरा तो लूट में चलिया जाएगा, लेकिन वो कर्जो तो बीवे खड़े रहेगा ना, वो कर्जो तो जल्द ही उतरेगा के जब लोग सुविधा मिलेगा। अब तो आज सरकार जितना भी टैक्स लगा हुआ है, इन टैक्स का सारा पीसा बड़ा जगह उद्योगिक घराना है, बिड़ला टाटा डालमिया अंबानी अडानी आगे करने जाओ आंख न सीधा ये लुटेरा दिखा राज करा कह रहे लूट मचरी बाढ़ खेत ने खाने की कहानी सुना करता प्रत्यक्ष तो हमें खान लाग रहा है कौन खान बिल्कुल खा रहे हैं तो इलाज एक ही है, सगला मिल गए राजी हो गए और फिर वो ही सरकार बना लियो, मैं थाने वायदे दे के जाऊं राज बना लियो थोड़ा सारा खोटवा काट दियो, अपने घर सारा लागे जी लुहारू रोड के मोटरसाइकिल पूरी तैयार खड़े की जाए यार मंडी जाके भाई चलान कटे हुए तो चलान तो कटे पूरे गांव में जाने चलान कटे क्या बतारी बैंक में किसान केसीसी कार्ड बन जा जी बीमा का पैसा काट नहीं पहले ही और बीमा नहीं मिल रहा गैर ने इतना ज्यादा हो लिया कोई एक रुपया ज्यादा नहीं सतराली के अंदर बलिए बीमा कट गया भाई बीमा भी वो कट गया जी बट में बीमा काट नहीं एक रुपया नहीं मिल रहा ऐसी हालत हो रही है बात काट नहीं सी वो जो हम किसान क्रेडिट बनवा उससे मार पहले काट ली पहले काट भजन न हो गोपाला।